सो रियल मी नार्जो 20 ए कल लॉन्च कर दिया गया है। इसका बेस वेरिएंट आपको 8,499 रुपए में मिल जाएगा। वहीं रियल मी का ही एक और फोन रियल मी C12 आपको 8,999 रुपए मिलता है और रेडमी का रेडमी 9 भी आपको 8,999 रुपए मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे तीनों ही फोन के बीच स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपेरिजन। देखेंगे तीनों में से कौन सा फोन आपको प्राइस के हिसाब से बेहतर स्पेक्स प्रोवाइड करता है और आपको अपने जरूरत के हिसाब से कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तीनों फोन के कैमरे से। तो तीनों फोन में आपको ट्रिपल ईयर कैमरा देखने को मिलता है। रियलमी नार्जो 20 ए में आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का रेट्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का B&W लेंस, फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है F2.0 अपर्चर के साथ। रेडमी 9 में आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है F1.8 अपर्चर के साथ और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, फ्रंट में सेल्फी के लिए यहाँ आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है F2.0 अपर्चर के साथ। रियलमी C12 में आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है F1.8 अपर्चर के साथ, दूसरा 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, यहाँ भी आपको फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है F2.0 अपर्चर के साथ। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट तीनों फोन के रियर और फ्रंट कैमरे में मिल जाएगा। नार्जो 20 ए में आपको थोड़ा बेटर सेल्फी देखने को मिलेगा। अब तीनों फोन के डिस्प्ले की बात करें तो नार्जो 20 ए में आपको 6.5 इंच HD प्लस IPS मिनट रफ नॉइज डिस्प्ले मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ, 89.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और 1600x720 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है। रेडमी 9 में आपको 6.53 इंच HD प्लस IPS डॉट नॉइज डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ मिलता है, 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो और 1600x720 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है। वहीं रियलमी C12 में भी आपको 6.5 इंच HD प्लस IPS मिनी ड्रॉप नॉइज डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ मिलता है, 88.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और 1600x720 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। अब डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो तीनों फोन में आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी मिलता है। नार्जो 20 का थिकनेस 8.9 mm है और वेट 195 ग्राम है। ये दो कलर में आता है, ग्लोरी सिल्वर और विक्ट्री ब्लू। रेडमी 9 का थिकनेस 9 mm है और वेट 194 ग्राम है। ये तीन कलर में आता है, स्काई ब्लू, स्पोर्टी ऑरेंज और कार्बन ब्लैक। रियलमी C12 का थिकनेस 9.8 mm है और वेट 209 ग्राम है। ये भी दो कलर में आता है, पावर सिल्वर और पावर ब्लू। अब तीनों फोन के प्रोसेसर को देखें तो नार्जो 20 स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट के साथ आता है जो 2.0 GHz पे क्लॉक्ड और 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एंड्रीनो 610 का GPU आपको मिलता है। वहीं रेडमी 9 और रियलमी C12 में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, मीडियाटेक का मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट जो 2.3 GHz पे क्लॉक्ड और 12 नैनोमीटर पे फिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। IMX पावर भी RGE 8320 GPU आपको मिलता है। मीडियाटेक हाइपर इंजन गेम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। तो प्रोसेसर के मामले में नार्जो 20 ए आगे निकल जाता है। अब तीनों फोन के बैटरी को देखें तो नार्जो 20 और रेडमी 9 में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है 10 वाट चार्ज सपोर्ट के साथ। इनबॉक्स भी आपको 10 वाट का चार्जर मिलेगा, यहाँ आपको माइक्रो यूएसबी केबल मिलेगा। वहीं रियलमी C12 में आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है 10 वाट चार्ज सपोर्ट के साथ और इनबॉक्स भी आपको 10 वाट का चार्जर मिलेगा, यहाँ भी आपको माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो नार्जो 20 ए और रियलमी C12 में रियलमी UI 1.0 के साथ आता है जो एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। वहीं रेडमी 9 MIUI 12 के साथ आता है जो एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। अब तीनों फोन के अदर फीचर्स की बात करें तो तीनों फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है। तीनों फोन में आपको SD कार्ड का सपोर्ट मिलेगा। तीनों फोन स्प्लैश प्रूफ है। eMMC 5.1 का स्टोरेज तीनों फोन में मिलता है। LPDDR4X का RAM तीनों फोन में आपको मिलेगा। लगभग सभी सेंसर तीनों फोन में मिल जाएंगे। अब तीनों फोन का स्टोरेज और प्राइस की बात करते हैं तो नार्जो 20 ये दो स्टोरेज वेरिएंट में आता है। पहला 3GB RAM प्लस 32GB स्टोरेज जिसका प्राइस 8,499 रुपए है और दूसरा 4GB RAM प्लस 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस 9,999 रुपए है। रेडमी 9 भी दो स्टोरेज वेरिएंट में आता है। पहला 4GB RAM प्लस 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस 8,999 रुपए है और दूसरा 4GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस 9,999 रुपए है। रियलमी C12 एक स्टोरेज वेरिएंट में आता है, 3GB RAM प्लस 32GB स्टोरेज जिसका प्राइस 8,999 रुपए है। दोस्तों ये था तीनों फोन का स्पेक्स कंपैरिजन। अब बात करें कौन सा फोन आपको अपने जरूरत के हिसाब से खरीदना चाहिए। तीनों फोन का रियर कैमरा लगभग सेम है पर फ्रंट कैमरा आपको नार्जो 20 में आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। वहीं बाकी दोनों में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही मिलता है। प्रोसेसर के मामले में भी नार्जो 20 आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का एक बेहतर प्रोसेसर मिलता है। डिस्प्ले तीनों फोन में आपको सेम ही मिलता है। डिजाइन आपको कौन सा पसंद है वो आपकी चॉइस है। रैम और स्टोरेज सबसे ज्यादा आपको रेडमी 9 में मिलता है।
बैटरी के मामले में रियलमी सी 12 आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है, पर चार्ज सपोर्ट आपको 10 वाट का ही मिलता है, मीन्स आपको फोन चार्ज करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी दोनों फोन में आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है। मेरे हिसाब से 9000 के प्राइस में नार्जो 20 खरीदना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा रैम की जरूरत नहीं है, आप कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।